नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बात करेंगे ईशान किशन की। हम सभी को पता है कि ईशान किशन काफी लंबे समय से, काफी क्या कहें, आप मान के चलिए कि करीब 8-10 महीने से टीम से बाहर चल रहे हैं, यानी बहुत लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं। और उन्होंने जो अपना आखिरी दौरा मिस किया था, जहां पर उनका जो सिलेक्शन था उस स्क्वाड में होना था साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, लेकिन उन्होंने खुद से ब्रेक मांगा था और उसके बाद से वो टीम में नहीं है। इसके बाद लगातार चीजें हुई, यहां पर ईशान किशन की भी गलती थी कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। इसके बाद उनका बयान भी सामने आता है कि क्यों नहीं खेला था, क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं था, वो कहते हैं। लेकिन फिलहाल अब ईशान किशन के फैंस के लिए खुशखबरी है और उनके लिए दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं टीम इंडिया के, और किस तरह से वो सारी की सारी चीजें आपको एक रिपोर्ट में बताएंगे। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल क्रिक बस की एक रिपोर्ट पर दावा किया गया है कि 26 साल के क्रिकेटर ने हाल ही में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से संपर्क किया था और आने वाले सीजन के लिए खुद को चयन के लिए उपलब्ध बताया था। अब इस मामले में प्रगति हुई है और झारखंड एसोसिएशन ने भी ईशान को प्री सीजन कैंप में शामिल कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीजन की तैयारी के लिए लगने वाले कैंप के लिए 25 खिलाड़ियों को चुना गया है, ईशान भी उसमें शामिल हैं। खास बात यह है कि ईशान किशन ना सिर्फ झारखंड की टीम के लिए खेलते दिखेंगे, बल्कि एसोसिएशन के सिलेक्टर उन्हें कप्तान बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। ईशान किशन अंडर 19 क्रिकेट में भारत टीम की कप्तानी कर चुके हैं, यानी जो कप्तानी को लेकर देखा जाए तो ईशान किशन अंडर 19 की कप्तानी कर चुके हैं, और यहां पर भी जो उनको झारखंड की कप्तानी देने की बात हो रही है, तो यहां पर अगर वो कप्तानी करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, और यहां पर बहुत बड़ा हाथ जो रहा है उनके साथियों का भी रहा, दोस्तों का रहा है, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और प्रेरित किया कि आप जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, क्योंकि आप तालाब में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं करते तो कर सकते। तो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो बीसीसीआई से आप साफ तौर पर मनमुटाव कर रहे हैं, और उनके दोस्तों ने समझाया कि आप ऐसा मत करिए। और अब यहां पर ईशान ने वो फैसला किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, और डोमेस्टिक खेलेंगे तो ईशान किशन के साफ तौर पर वापसी टीम इंडिया में हो सकती है। अब देखना पड़ेगा क्या वो कप्तान बनाए जाते हैं या फिर नहीं, लेकिन जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं तो हो सकता है उन्हें कप्तानी सौंप दी जाए झारखंड क्रिकेट टीम की। बाकी आप बताइए, क्या आपको लगता है झारखंड क्रिकेट टीम में वापस आने के बाद ईशान किशन की वापसी कितनी जल्दी भारतीय टीम में हो सकती है और कितनी नहीं, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। क्या है आपकी राय?